हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं बोकेत नवीन अंतिल। तो थंबनेल तो आपने देख लिया होगा। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हाई कोर्ट में बेल का क्या प्रोसीजर होता है। बेल लगाने के बाद देखो बेल कितने टाइप की होती है, उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। लेकिन बेल लगाने के बाद क्या होता है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का भी बताऊंगा, लेकिन वो नेक्स्ट टाइम। अभी मैं आपको हाई कोर्ट के बारे में बताऊँ कि हाई कोर्ट में बेल अप्लीकेशन लगाने के बाद क्या होता है। ठीक है, देखो भाई, अगर हमें कभी भी हाई कोर्ट में बेल लगानी है, तो हाई कोर्ट में बेल अप्लीकेशन लगाने के बाद देखो जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो साथ में लगाएंगे। मान लीजिए कि सेशन कोर्ट से अगर बेल डिसमिस होने के बाद ही हाई कोर्ट में हम बेल लगाते हैं, क्योंकि सेशन कोर्ट से जो डिसमिस हुई है उसका ऑर्डर लेना पड़ता है पहले, ठीक है ना। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो सेशन कोर्ट होता है, तो वहाँ से जो बेल डिसमिस हुई है उसका एक सर्टिफाइड ऑर्डर लेना है, फिर उस ऑर्डर को भी हमें जब हाई कोर्ट में बेल लगाएंगे तो साथ में लगाना पड़ेगा, ठीक है। उसके साथ साथ पावर ऑफ अटॉर्नी और जो बाकी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वे, और बेल एप्लीकेशन मान लीजिए कि लगा दी। उसके लगाने के बाद क्या है कि हमें एक डायरी नंबर मिलता है, डायरी नंबर जिसको बोलते हैं, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बहुत कम होता है, लेकिन हाई कोर्ट में क्या है ना कि हमें एक 6 या 7 नंबर का डिजिट का एक डायरी नंबर मिलता है, जिससे क्या है कि उस डायरी नंबर से हम अपने केस की डिटेल ऑनलाइन भी देख सकते हैं हाई कोर्ट की वेबसाइट पे। जैसे मैं हरियाणा से हूँ और हरियाणा और पंजाब का एक हाई कोर्ट है जो कि है चंडीगढ़ में, तो मैं क्या करूँगा, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का केस स्टेटस जो वेबसाइट होगी उसको गूगल पे सर्च करूँगा, और ओपन करने के बाद उसमें जो डायरी नंबर हमें मिला है उस डायरी नंबर को हम उस वेबसाइट में, एक ऑप्शन होगा डायरी नंबर पर क्लिक किया, उसमें डायरी नंबर डाला और सर्च कर दिया, उसके बाद जो हमारा केस होगा वो केस जो है ओपन होके आ जाएगा, ठीक है। हम देख सकते हैं कि भाई कि हाँ भाई हमारा जो केस है वो ऑनलाइन हो चुका है जो है हाई कोर्ट की वेबसाइट पे। अभी आप है ना, जैसे दिल्ली में हो, दिल्ली हाई कोर्ट है, तो कहीं भी जहाँ भी हाई कोर्ट आपका जो भी लगता है वहाँ पे आप उनकी जो ऑफिशियल साइट होती है, जो वेबसाइट होती है, उस पे जाके अपने केस की डिटेल ले सकते हैं। जो भी आपको बेल एप्लीकेशन फाइल करने के बाद जो भी आपको नंबर मिलेगा, चाहे वो डायरी नंबर है, चाहे वो CRM नंबर है, जो भी है, ठीक है, उसको फिल करने के बाद आप अपने केस का जो स्टेटस है वो वेबसाइट पर देख सकते हो, हाई कोर्ट की वेबसाइट पे, ठीक है, चाहे किसी भी स्टेट का क्यों ना हो। और हाँ, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, जो हरियाणा और पंजाब की हाई कोर्ट चंडीगढ़ में जो है उसमें होता है, वहाँ पे बेल एप्लीकेशन लगाने के बाद डायरी नंबर तो हमें मिल जाता है, लेकिन साथ के साथ डेट नहीं देते हुए। डेट क्या होती है कि डेट जब आर्ग्यूमेंट होती है उसे 2 या 3 दिन पहले डेट मिलती है, ठीक है ना। मैं चंडीगढ़ हाई कोर्ट की बता रहा हूँ आपको, 2 या 3 दिन पहले डेट मिलेगी, ठीक है, उस डेट जो मैं, और वो भी क्या ना कि ऑनलाइन शो हो जाएगी, और क्या ना कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बनता है इनका, जो भी डेट मिलेगी ना वो जो भी वकील का, जिस भी वकील का नंबर गया हुआ होगा तो उसके नंबर पे शो कर जाएगी वो डेट आ जाएगी, उसे वकील को पता लग जाएगा हाँ कि भाई इस डेट पे जो है आर्ग्यूमेंट है। और जब आप उसको ऑफिशियल वेबसाइट पे हाई कोर्ट की उस पे देखोगे तो वहाँ भी आपको पता लग जाएगा, क्योंकि वहाँ भी एक डेट शो होगी, ठीक है ना, नेक्स्ट डेट में वो डेट शो होगी जो भी आपको मिलेगी, और उस डेट पे आर्ग्यूमेंट होगा, उस डेट से पहले जो आई होगा वो रिप्लाई वहाँ पे पहुँचा देगा, और आपको पता ही है कि स्टेट की तरफ से गवर्नमेंट वकील होता ही है, और फिर आर्ग्यूमेंट होगी और शाम को ऑर्डर होगा। और जब ऑर्डर हो जाएगा उसके बाद का जो प्रोसीजर होता है, जब ऑर्डर हो जाएगा तो वो जिस भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ट्रायल चल रहा है, ठीक है ना, आपके केस का जिस भी कोर्ट में ट्रायल चल रहा है, 2 या 3 दिन के अंदर वहाँ से जो ऑर्डर है वो यहाँ पर आ जाएगा, जो शायद सेंटर होता है ना यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जहाँ से हम वेरीफाई कर लेंगे कि हाँ भाई कि उसकी, क्योंकि एक बात सोच के देखो, वहाँ से तो ऑर्डर हो गया, ठीक है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वालों को कैसे पता चलेगा कि भाई वहाँ से ऑर्डर हो चुका है, क्योंकि वहाँ कोई बेल बॉन्ड जमा नहीं होते भाई। जहाँ पे ट्रायल चल रहा है जिस भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, वहाँ पे ही बेल बॉन्ड जमा होंगे, ठीक है, तो उनको कैसे पता लगेगा। तो वहाँ से जो हाई कोर्ट से यहाँ भेजा जाएगा CI सेंटर में कि हाँ भाई इस डायरी नंबर, इस CRM नंबर में, इस FIR में इस बंदे की बेल हो चुकी है, तो हम यहाँ से जो है जो ऑर्डर होगा उसको वेरीफाई करवाएंगे। देखो जो ऑर्डर की कॉपी तो हमें मिल जाती है, लेकिन सर्टिफाइड ऑर्डर की कॉपी नहीं मिलती। अगर हम डायरेक्ट जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है उसको कोर्ट में लेके जाएंगे तो वे नहीं मानेंगे, उसको हमें वेरीफाई कराना ही पड़ेगा CI से,
ठीक है, तो हम सीआई से जाएगा जो कि हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक ऑफिस होता है, वहाँ से होता है। तो वहाँ जाने के बाद उसको आप वेरीफाई करवाओगे कि हाँ भाई वेरीफाई करके दे देंगे कि मोर मार के दे देंगे हाँ भाई बेल हो चुकी है। उसके बाद उस ऑर्डर के को लेके हमें कोर्ट में जाना पड़ेगा, ठीक है, वो हमें श्योरिटी बता देंगे और जो श्योरिटी होगी उसके बेस पे हम जो है बेल बॉन्ड जो जमानती होगा वो लाके उसके जो डॉक्यूमेंट्स है वो लाके जमा कर देंगे, मतलब बेल बॉन्ड हम जमा कर देंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और उसी दिन शाम के टाइम रिलीज ऑर्डर हो जाएगा और वो बंदा जो है जेल से बाहर आ जाएगा। तो ये था भाई हाई कोर्ट का, क्योंकि हाई कोर्ट में जब भी आप बेल लगाओगे तो आपको CRM नंबर और डायरी नंबर मिलेगा, ठीक है ना, उससे ही आप अपनी जो हाई कोर्ट की जो वेबसाइट होती है उस पर आप अपने केस का जो स्टेटस है वो चेक कर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, अगर फिर भी समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन मैंने अपना नंबर दिया हुआ। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ किसी दूसरी वीडियो में, टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत।